हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। मैं अभी गई थी अधिकारी जी की दुकान सामान लेने, तो मैंने यहाँ पे आटा चावल लगा दिया है ये सामान लेके, और अभी दाल लगानी बाकी है, वहाँ पर रखे हैं मैंने थैलू में, तो बच गया है एक। और बच्चे हैं घर में और आ गए हैं पापा जी, कल रात को पहुंच गए हैं। मैं दिखाना भूल गई, मॉर्निंग में इतना सारा काम था कि बहुत सारे कपड़े थे, इतने दिन से बारिश हो रही है तो वो सारे कपड़े धोने थे, और पापा जी लोगों के हॉस्पिटल के सारे कपड़े धोने थे, सारे धो दिए। जैसे ही मैं सामान लेने के लिए निकली तो एकदम से बारिश आ गई। ये देखो गर्मी से पसीना पसीना भी हो रहा है, और उस टाइम बारिश आ गई तो मैंने सारे कपड़े ऐसे अफरा तफरी में उठा के वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिए, धूप में भी नहीं सुखाई। जैसे ही मैं नीचे पहुँची तो चमचमानी धूप आ गई है बाहर, तो मैं जाऊंगी घर, पहले कपड़े सुखाने के लिए डालूंगी। इससे पहले मैं सारी दालें डब्बों में रख देती हूँ, तो फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ अधिकारी जी की दुकान का वीडियो आपको। खाना खाने के बाद हम लोग गए थे हर्षू के लिए स्पेशल वाला लॉलीपॉप लेने, सो वो ख़त्म था तो हमने लिया किंडर जॉय। और रास्ते में मिल गई हमको राखी मैडम, तो वो गई है अपनी फ्रेंड्स के घर मट्ठा पहुंचाने। तो हम रोड में खड़े थे, हमने कहा रोड में क्या करते हैं, तब तक थोड़ा वॉक हो जाएगी। तो हम भी पैदल पैदल निकल चुके हैं मानस अकेडमी की गलियों में, दिखाती हूँ आगे। तो ये है आगे मानस अकेडमी का गेट, जहाँ स्कूलों में पड़ी है। ओ बवाल लग गई, तो वो लग गई है मेरे बेटे के हाथ में भी, लग गई थी। और जो कि स्कूल आजकल बंद है, कल से है स्कूल शुरू, वैकेशन ख़त्म। ये आ गई है रेसलर की तरह दौड़ते हुए। हाँ, तो जैसे ही हम गेट में पहुँचने वाले थे तब तक मैडम आ गई दौड़ के। आगे वाला ड्राइवर बिना हेलमेट के, पीछे वाले पैसेंजर हेलमेट वाले हैं, दोनों का डिस्कशन चल रहा है। ये देखो, तो इन दोनों को डिस्कशन चल रहा है। आजकल इनकी ट्यूशन वाली बुआ घर गई है, तो छोटी बुआ ट्यूशन पढ़ा रही है, जिससे सारे बच्चे खौफ खा के आते, बच्चे ट्यूशन ही नहीं आते हैं। तो फिर से हम वापस लौट गए हैं, वहीं थक गई थी काफ़ी स्कूटी चला के। मैंने बोला आप गुरु जी को आप चलाओ स्कूटी, तो आगे बड़े मालिक पीछे। चुके हैं हम लोग कुमौर से, है छाता, जिसमें छाता का हमने कवर चेंज कर दिया है, ऐसा होगा राखी का कहना है। तो रात को भी जा रहे हैं घर, मैं मिलवाती हूँ आपको पापा जी से, और पापा जी ने क्या मामला आ गया अपने। जैसे कहते हैं बारिश के मौसम में पतझड़ आया हो, ऐसे पापा जी ने अपना सकल सूरत बना रखी है। तो गाइस, यही वो छाता है जिसे हम रिपेयर करने जा रहे हैं। तो इसमें जय बुबू की और जय अम्मा की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, शादी की छाता है उनकी। तो अंकल फेंकना नहीं चाहते हैं अपनी शादी की यादों को, मतलब कि संभाल के रखना चाहते हैं। मैं अभी घर में निकाल के दिखाऊंगी छाता के हाल। तो सो गाइस, अगर 150 में बन गई तो हम बनाने के लिए रेडी है। पीछे से गाड़ी आ रही है, अगर 150 में बन गई तो हम बनाने के लिए रेडी है इसको। अगर 150 से एक पैसा भी ज़्यादा लगा तो हम किसी भी कीमत में इसको नहीं बना सकते हैं। सो समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो ऐसे तो 150 में नई छाता आ जाती है। मैंने बताया कि जैसे ये अंकल की शादी की छाता है, तो अंकल फेंकना नहीं चाह रहे हैं, क्यों राखी? हाँ, तो हो गया है हमारा ऑल इंडिया परमिट यहाँ पे लैंड। साहब जी आगे आगे जा रहे हैं, मैं छाता लेके आई। वो छाता है जिससे अंकल की पुरानी यादें जुड़ी हैं, और अंकल ने देख टूटने के बाद भी बिल्कुल कवर में, ऐसे बिल्कुल चमकीले कवर में छिपा के रखा है। रुक, चाबी बहुत नहीं, पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से कवर करना कोई राखी से सीखे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम दुकान में क्या कर रहे हैं। हमने दुकान से अब हम चुरा रहे हैं नारियल, ये है पड़ोसी की दुकान जहाँ हम डाका डाल रहे हैं। तो इसको खरीदे हुए हैं काफ़ी टाइम, शटर रोड चाबी लगा रखी, तो इसको घर जाके छिलेंगे हम। इसमें पानी है नहीं है, बस तो कुछ नहीं रहा है। तो ये है हमारे घर के उजड़े चमन। अबे यार, जैसे तो सावन के मौसम में पतझड़ आ रखा है इनके लिए। आगे तो मेरे लिए गाना लाए हैं, किंडर जॉय खा रहे हैं। कैसे क्या हो गया बेवफा।
सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में।